हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मॉम्स आर इंडिया। आई एम योगिनी सिरोया और आज हम बात करेंगे कैरेट्स के बारे में। कैरेट्स काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं आपके बच्चों के लिए। बच्चा 6 महीने की एज से लेके तो जब तक के भी चाहे आप उसे आप ही खा सकते हैं, सब बच्चों को भी आप दे सकते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स का कोई जवाब नहीं है। आप 6 महीने के बच्चे को प्योरी फॉर्म में दीजिए, फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है आप जैसे आप खाते हैं वैसे दीजिए। लाइक मैं मेरे बच्चे उसे गाजर का हलवा फॉर्म में पसंद करते हैं। किसी भी फॉर्म में वो बहुत बेनिफिशियल होता है, आप किसी भी फॉर्म में दीजिए वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि गाजर में होता है एंटी ऑक्सीडेंट जो कि आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है और बहुत ज़्यादा स्किन के लिए अच्छा होता है, हेयर्स के लिए अच्छा होता है, आँखों के लिए खास करके विटामिन ए होता है उसमें, उसकी वजह से आँखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा वो आपके डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है क्योंकि इट इज़ अ वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ फाइबर। और उसके अलावा गाजर इज़ हैविंग अ वेरी गुड आयरन सोर्स क्योंकि उसमें एक ऑरेंज कलर होता है जो कि आपके आयरन आपके एनेमिया को भी ख़त्म करने में बहुत सहायक होता है। लाइक बहुत सारे बेनिफिट्स है इसके। टीथ और गम्स के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप गाजर को रॉ खाते हैं तो इट विल हेल्प आपके जो मुंह में जो बदबू होती है वो सबसे भी वो फाइट करता है। तो लाइक इट्स हैविंग अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स। और आज मैं आपसे शेयर करूँगी गाजर के हलवे की रेसिपी। उसमें मैं ड्राई फ्रूट्स दूध ये सब भी डालती हूँ और शुगर भी डालती हूँ, लेकिन अगर आप ओवरऑल गाजर का हलवा देखेंगे तो उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं क्योंकि उससे बच्चों को कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सब कुछ मिल रहा है। तो वाई शुड नॉट यू, क्योंकि मैं उसे हर ऑल्टरनेट बनाती हूँ, डेज में बनाती ही रहती हूँ क्योंकि नीरव और नील दोनों को बहुत पसंद आता है गाजर का हलवा। ऑल्टरनेट डेज इसलिए क्योंकि एक दिन बनाती हूँ उसे, एक दिन में 1 किलो गाजर का हलवा आपका ख़त्म नहीं होता है, एक दिन 2 दिन लगते हैं उसे, फिर एक ऑल्टरनेट डे में फिर बना लेती हूँ। मेरे बच्चे खास करके उसे इसी फॉर्म में पसंद करते हैं तो आई गिव देम, जब तक के सीज़न होता है तब तक के मैं ऑलमोस्ट देती ही उन्हें इस फॉर्म में ही हूँ। और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट मैं पाउडर डालती हूँ इंस्टीड ऑफ उसके फ्लेक्स डालने से, क्योंकि मेरे बच्चे उनके मुंह में जब वो फ्लेक्स, खास करके नील नील तो खा लेता है बड़ा है, लेकिन नीरव को फ्लेक्स अच्छे नहीं लगते, उससे वो बहुत स्मूथ सा जो हलवा होता है वो बहुत अच्छा लगता है। तो दैट्स व्हाई आई गिव हिम इन दैट फॉर्म। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है, ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स से या अपने रिलेटिव से शेयर करिए क्योंकि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। मैं कुछ थोड़ा दूसरी तरीके से बनाती हूँ तो मे बी आपको ये पसंद आएगा। एंड वॉच टिल द एंड। 1 किलो के करीब आपको गाजर लेना है और उसे आपको पील कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पील करके रखे हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा बनाना स्टार्ट कर दिया था, देन आई थॉट कि मुझे आपको बताना चाहिए रेसिपी। देन आपको उसे ग्रेट कर लेना है किसी भी ग्रेटर से। उसके बाद आपको एक कढ़ाई को नॉनस्टिक लीजिए, बटर गरम करना है, उसमें 1 चम्मच के करीब घी, उसे अच्छी से मेल्ट कर लीजिए। और मेल्ट होते ही जैसे ही वो गरम होने लगेगा, जैसे ही ऑयल घी गरम हो जाएगा, अच्छे से गरम करिए और उसमें जो आपने ग्रेट किया है गाजर, उस गाजर को उसमें डाल दीजिए लाइक दिस। और फिर उसे उसमें मिक्स करिए प्रॉपरली। ये देखिए यहाँ पे ये प्रॉपरली मिक्स हो गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, जो आपके घर में मलाई होती है वो मलाई को आपको उसमें करीबन 2-3 से 4 चम्मच डालना है, डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस ऑफ योर मलाई। मैं घर में ही दूध से मलाई निकालती हूँ, वही मलाई को मैंने यूज़ किया है। चाहे तो आप इसकी जगह बाहर से भी क्रीम ला करके यूज़ कर सकते हैं। 4 चम्मच के करीब आपको उसे लेना है। अब इस मलाई को आपको अच्छे से मिला लेना है जब तक कि उसमें एक अच्छे से बॉईल नहीं आ जाता, तब तक कि उसे मिक्स करते रहिए प्रॉपरली, पूरी तरह से मलाई उसमें मेल्ट हो जानी चाहिए तब तक कि आपको उसको गाजर में मिक्स करते रहना है। अब आप 1 कप के करीब दूध लीजिए। 1 कप के, ये जो है ये मेरा बड़ा कप है, लाइक आपको 1 ग्लास यानी 200
ग्राम 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर के करीब आपको दूध लेना है इसमें, और उसे भी अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। अब आप एक बड़ी कटोरी के करीब शक्कर लीजिए और वो शक्कर को भी इसमें ऐड कर लीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। आप ये ध्यान रखिए कि आपका जो गाजर का हलवा है, जब आप उसे दूध में मिलाएं तो वो अच्छी तरीके से बॉईल हो जाना चाहिए। उसी के बाद आप उसमें शुगर ऐड करेगी। ये देखिए, अब ये प्रॉपरली बॉईल होना स्टार्ट हो गया है हलवा। और अब आप क्या करिए कि गैस को थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पे कर दीजिए, या उसे भी थोड़ा से कम में कर दीजिए, ताकि वो ठीक से धीरे धीरे पकने लगे। और अब आप अपने घर का जो भी काम है वो थोड़ा सा निपटा लीजिए, तब तक कि वो बनते रहेगा। ये देखिए, गाजर का हलवा ऑलमोस्ट बन के रेडी है। बस इसका जो दूध है उसे थोड़ा सा हमें औटाना है या फिर उसे जलाना है। सो गाइस, हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह बन के रेडी है। मेरा थोड़ा सा गीला बनता है क्योंकि मैं इसमें दूध और मलाई डालती हूँ, तो और ये इस तरह से अच्छा भी ज़्यादा लगता है। ये देखिए, कढ़ाई इसमें पूरी तरीके से छोड़ दिया है, घी छोड़ दिया है, ये ऑलमोस्ट कुक्ड है। ये देखिए, ये घी छोड़ दिया है। अब इसमें आप ड्राई फ्रूट पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो ड्राई फ्रूट के फ्लेक्स है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये पूरी तरह से सर्व करने के लिए रेडी है गाइस। सो दिस इज हाउ इट्स नील, ऑसम, रियली टेस्टी, इट्स डिलीशियस लाइक ऑलवेज। सो हियर नीरव इज ऑल्सो ईटिंग अ यमी गाजर का हलवा। प्लीज़ गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप अगर ये बनाते हैं तो आपको ये हलवा कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।